साल 2021 में दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने के बाद अब जून में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण वृष राशि में लगेगा, जिसका असर मेष से मीन तक सभी राशियों पर दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को प्रभावशाली खगोलीय घटना माना गया है। माना जाता है कि आंशिक रूप से सूर्य या चंद्र ग्रहण भी इंसान पर असर डालता है। अब जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यह 10 जून गुरुवार को ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगने जा रहा है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण का समय और सूतक काल कब रहेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा, इसके अलावा कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में भी सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। भारत में ग्रहण का समय 10 जून गुरुवार को दोपहर 1:42 से शाम के 6:41 तक रहने वाला है। भारत में यह आंशिक रूप से ग्रहण होगा, लिहाजा इस ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा। वरना आमतौर पर सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक असर यह किस राशि पर डालने वाला है। साल के इस पहले सूर्य ग्रहण का सबसे अधिक असर वृष राशि पर देखने को मिल सकता है। इस दौरान वृष राशि वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। धन के मामले में सावधानी बरतनी होगी। स्वच्छता के मामले में भी किसी तरह की लापरवाही करने से नुकसान हो सकता है। बता दें कि साल 2021 में कुल दो सूर्य ग्रहण लगने हैं। इसमें से पहला सूर्य ग्रहण 10 जून और दूसरा सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं गर्भवती महिलाओं के बारे में। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर में रहने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का गर्भ में बुरा असर हो सकता है, इसलिए ग्रहण के वक्त गर्भवती महिलाएं घर में रहनी चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को नोकदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, सुई का उपयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर गर्भ में शिशु को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के वक्त पड़ने वाली किरणें खाने को खराब कर देती हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि ग्रहण से पहले सभी खाने की चीजें और दूध में तुलसी डाल देनी चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण के बाद भी खाना शुद्ध रहता है। ज्योतिष के मुताबिक ग्रहण के बुरे असर से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को तुलसी मुंह में रखकर हनुमान चालीसा और दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा ग्रहण की अवधि समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाओं को शुद्ध जल में स्नान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा नहीं करने से शिशु को त्वचा संबंधी रोग लग सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण के वक्त मानसिक रूप से मंत्र जाप करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इस दौरान मंत्र जाप कर अपनी रक्षा कर सकती हैं। इससे और उसके गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है।